क्यों अटल है। ती को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरा किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे, एक दिन उसे चतुराई सूझी और उसने काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र क्या तुम किसी को नहीं छोड़ते हो? किसी दिन मुझे भी काल के गाल में धर दबोचोगे? काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो जन्म लेता है उसे तो मरना ही होता है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है मित्र, इसलिए पर इस रखता हूँ उतना मित्र के लिए अवश्य ही करूँगा। मुझसे क्या आशा रखते हो? व्यक्ति ने कहा, मित्र मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले आप एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान के भजन कीर्तन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है मित्र, मैं एक नहीं आपको चार पत्र भेज दूंगा। चिंता मत करो, चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन का काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके निश्चित होकर जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करें। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र अब आपका समय पूरा हुआ, मेरे साथ परलोक चलिए, मैं सत्यता के साथ आपको लेने आया हूँ। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, क्रोध से उसकी भुरकुरी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ गए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ तो ना बोलो, मैंने आपको एक नहीं चार पत्र, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया, मैंने चार पत्र भेजे थे। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास ही मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिनों बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा, नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया, इतने पर भी नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र में आपके दांतों को छुपा, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र को भी जवाब न दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा आपके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने की तैयारी करता रहता है। मुझसे फिर भी न रह गया तो अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग बीमारी क्लेश और पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कर्मों में लगाऊँगा, पर वह कल ही नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया राग रंग स्वार्थ और भोगों के लिए,
जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। अब जब उस व्यक्ति को कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ नहीं। धन दौलत शोहरत सत्ता ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता हूँ। अपने निर्णय पर पुनर्विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन देने भर भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपये पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तो तुम उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं मानी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। कहानी से सीख मिलती है दोस्तों कि एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन के कितनी भी दौलत जमा कर लेंगे, कितनी भी शोहरत जमा कर पाएंगे, कितने ही शैतान होंगे, यह सब अनिश्चित होता है। समय के गर्भ से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम मरेंगे एक दिन, बस यही बात जन्म के साथ ही तय हो जाता है कि जो इस धरती पे जन्मा है वह परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की मर्जी से एक दिन मृत्यु के काल को जरूर जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर को याद करके उनके बताए हुए अनुसार कर्म करने चाहिए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।